हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। और मैं जोया जोया खान बोल रहा हूँ। जो आप लोग के लिए पहला फिल्म है तो आप लोग टीनेजर हैं कि आप लोग अभी बड़ा है? आप देख कर बताइए। तो आपको क्या मतलब इस फिल्म में काम करते हैं? अभी बहुत सारे मुझे और लगभग शूटिंग कंप्लीट हुआ आज मैं अप्रोक्स 15 डेज हां इतना दिन आपको अभी पहला फिल्म है आप लोग का लाइफ के, तो कैसा लग रहा है मतलब पूरा शूटिंग में और किस तरह का बाइंडिंग रहा सबके साथ में? स्टार्टिंग के दो तीन दिन तो जाने हम लोग अभी तीन गाने भी कर चुके हैं और अच्छी तरह से इसमें जोया ने बहुत अच्छा डांस भी किया है, बहुत अच्छा डांस करती है। अच्छा, मैंने आपकी तारीफ नहीं की इसलिए आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। ये बहुत अच्छे डांसर हैं, बहुत अच्छा इन्होंने डांस किया। इनके सामने तो मैं जीरो, लेकिन आप लोग का प्यार रहा तो इनसे भी अच्छा कर दिखाऊंगी और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इनसे भी अच्छा करूं। सेट पर कभी डर महसूस हुआ कभी ऐसा लगा कि? हाँ, मैं तो बहुत डर गई थी। जैसे कि फर्स्ट मूवी है, कोई भी डर जाएगा, कोई भी सीन से पहले स्क्रिप्ट पढ़ने से पहले सोचती थी कैसे करूंगी कैसे नहीं। कैमरे पर फर्स्ट टाइम में गई, लेकिन आप लोगों के प्यार की वजह से अभी तक तो बहुत अच्छा रहा और आगे भी बहुत अच्छा रहेगा। डायरेक्टर के बारे में क्या कहेंगे, किस तरह का डायरेक्शन उन्होंने किया, क्या केमिस्ट्री रहा हम लोगों का? डायरेक्टर सर हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, हम बता नहीं सकते। इंडस्ट्री में इतना पहले से वो काम करके आ रहे हैं। जैसे कि हम फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, हमें वो लॉन्च किए, फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किए, जो भी ए टू जेड, तो उन्होंने इतने प्यार से छोटी छोटी बातों को इतने अच्छे से बता देते हैं। स्क्रिप्ट हमें नहीं समझ में आता तो वो समझा देते हैं, थोड़ा सा भी डांटते नहीं है, गुस्सा नहीं करते हैं और बहुत प्यार से वो काम करवा देते हैं। जो हम नहीं कर सकते उसे भी वो करवा देते हैं। तो प्रोड्यूसर भी साथ साथ में रहते थे? हाँ, प्रगति मैम तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, बेटा बेटा बोलती रहती है, इतना सारा प्यार करती है। और किसी कोई भी गलत जैसे कि वन टेक में नहीं होता है, जैसे अजीब सा फील होता है तो वो समझाती हैं, प्यार देती हैं, बोलती है कोई बात नहीं बेटा, आप कोशिश करो, हम साथ में हैं, हम दोबारा करेंगे, बहुत बहुत प्यार करती हैं वो। लेकिन आप अभी ये बताइए, पहला फिल्म है, लोग आपका फिल्म क्यों देखने जाए और मतलब क्या कहेंगे लोगों की? स्टोरी बहुत अच्छी है, स्टोरी बहुत अच्छी है, देखी जाए तो टीनेजर लव स्टोरी। सो हमें लगता है कि पब्लिक इसे जरूर पसंद करेगी और देखने जरूर जाएगी। और इसका बेसिकली एक प्लान अभी तक यही हो रहा है कि ये वैलेंटाइन डे पर आ ही जाए मूवी, तो फिर लोग तो देखेंगे ऑब्वियसली। क्योंकि स्टोरी जो है ना इसी टाइप की लव स्टोरी। टीनेजर के लिए आप क्या कहेंगे, जो ओरिजिनल टीनेजर है, जो बच्चे लोग है, तो इसमें क्या मैसेज? टीनेजर्स के लिए हम ये कहेंगे, जो इस मूवी में हम एक मैसेज देने वाले हैं, मतलब हम नहीं, हम तो एक्टर्स हैं, ब्रज भूषण जी जो देना चाहते हैं इसमें, वो एक मैसेज है जो लोगों को नहीं करना चाहिए, जो गलतियां हम मूवी में दिखा रहे हैं और एंड में पता भी चलेगा कि हमें वो नहीं करना चाहिए। कुछ पेरेंट्स का भी है, पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए और वो मतलब ऐसा गलती पर सपोर्ट नहीं करना चाहिए, अच्छाई पर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सपोर्ट करना चाहिए, पहले सबको जान कर पहचान कर फिर देखना चाहिए। अब बिना जाने पहचाने अगर आप रिस्ट्रिक्शंस लगा दोगे बच्चों पर तो बच्चे अपने पर्सनल डिसीजंस लेने लग जाते हैं, तो वो उस बेस पर ये स्टोरी है, बाकी आपको देखने के बाद पता चलेगा। अच्छा, ये शादी दोनों ने किया क्या इसके राज है? क्या कह रहे हैं आप? आज का नहीं सर, अभी मैं 18 साल का तो नहीं, तो मुझे हमारी शादी मूवी में हुई है, रियल लाइफ में नहीं हुई। ओके, होने वाला है रियल लाइफ में? हमारी मूवी में देखो बेसिकली सर 15 दिनों में दोनों में क्या सर, क्या 15 दिन में तुम लोग का केमिस्ट्री बन गया, मतलब ओरिजिनल लाइफ में जो हो सकता है जो शादी नहीं पॉसिबल ही नहीं। हमें इंटरेस्ट है, हमें आगे बढ़ना है, इन सब के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। और हाँ, शुरू शुरू में इनसे झगड़े करना, बात बात पे रूठना जमता ही नहीं था, इतने खड़ूस, लेकिन अभी थोड़ी बहुत सही हो गई। हम बस ट्राई कर रहे हैं कि हम अच्छा सा अच्छे से अच्छा एक्ट करें और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों को दिखाएं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं तमाम जो आप मीडिया बंधु आए हुए हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ
और स्वागत भी करता हूँ। और सबसे बड़ी बात इसमें जो हमारे जो भाई हैं, बड़े पुराने मित्र हैं, संजय पटियाला जी, जिन्होंने शादी की है अभी, तो हम सारे कलाकारों की तरफ से, पत्रकारों की तरफ से, तमाम भारतवासियों की तरफ से उन्हें शादी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जी। दूसरा तो ये फिल्म का बारे में क्या कहेंगे? देखिए, क्या रोल रहा इस फिल्म में? मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ, एडवोकेट हूँ, और संजय पांडे जी हैं, उनके तरफ से मैं ये वो डेडी हुए, और उनका मैं पर्सनल क्रिमिनल लॉयर हूँ, जो उनके तरफ से केस को लड़ता हूँ और कहीं ना कहीं उसका एक परिणाम निकलता है। तो ये किस तरह का, कितने दिन का शूटिंग रहा आपका और कभी तक खत्म हो जाएगा? देखिए, ये तो अभी कंटिन्यू चल रही है, कम से कम आज 15 दिन तो हो गया है, 24 दिन का इस फिल्म का शेड्यूल था, लेकिन आज फर्स्ट डे है कि मेरी एंट्री हुई है। आगे का कुछ कह नहीं सकते कि ये कैरेक्टरों की तरह जी। तो आप आपका फिल्म के बारे में ये थोड़ा बताइए कि किस तरह का जो क्राइम का सीन है जिसमें आपका एंट्री होता है, वो थोड़ा सा मतलब शूट बताएंगे क्या, किस तरह से डायरेक्टर ने और किस तरह से आप लोगों को केमिस्ट्री को मैच किया है? देखिए, ये सारी चीज़ों की डिटेल जानने के लिए आपको तो सिनेमा हॉल में जाना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली हमें मना किया गया है हमारे जो डायरेक्टर साहब ब्रिजभूषण जी, सबके लिए ब्रिजभूषण जी हैं, बहुत ही साइंस डिप्लोमा से वो करके, और कम से कम 100 डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बनाया है, और वो बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए एक अच्छी सोच रखते हैं कि हमारे समाज में संदेश वाली फिल्में, सामाजिक फिल्में जो हमारे समाज को पॉजिटिव संदेश दे, वो फिल्में कैसी होनी चाहिए। और वही कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो आज लड़के लड़कियां भाग करके बिना माँ बाप की परमिशन की कॉलेज और स्कूल से शादियां कर लेते हैं, आज कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट हर किसी के लिए एक सवाल बना हुआ है, और इन्हीं सारे सवालों के जवाब में इस फिल्म का निर्माण किया जा रहा है, और ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म होगी, साफ सुथरी फिल्म होगी, आप सभी परिवार के साथ इस फिल्म को देख सकते हैं। और जैसा कि अभी आपने देखे, हमारे हीरो और हीरोइन हमारे साथ बैठे हुए हैं, हीरो साहब को तो थोड़ा सा मार वार लग गया था, तो कुछ दूसरी सीन चल रही थी उसमें जी। ठीक, उनको बुलाइए नहीं, सर तो मुझे जानते ही थे, इत्तिफाकन एक मौका मिल गया एक्टिंग करने का, और एक शौक भी रहा कि सिनेमा के बड़े पर्दे पे दिखूं, 20 साल से पत्रकारिता करता रहा हूं। एक सीरियल आ रही थी, जैसे जस्ट लाइक भाभी जी घर पे हैं, इसी का पार्ट टू समझ लीजिए उस सीरियल को, जिसका नाम था बगल वाली जान मारेगी। ये सीरियल में मुझे मुन्ना मोबाइल के कैरेक्टर के लिए सेलेक्ट किया गया था, जो चैनल की तरफ से अप्रूवल हुआ। उसके बाद में जब ये कैरेक्टर मैंने किया, तो ये कैरेक्टर बिहार उत्तर प्रदेश, जो हमारे वहाँ के जो लैंग्वेज है, भोजपुरी समाज का जो लैंग्वेज है, बहुत हिट हुआ है मुन्ना मोबाइल, और तब से लोग मुझे मुन्ना मोबाइल के नाम से ही बुलाते हैं। और अभी शीघ्र ही हमारी मतलब जनवरी से 2-3 फिल्में हैं जो कंटिन्यू रिलीज होगी। पहली फिल्म है तो रखिया के काजल, हमर जान ले गई। दूसरी फिल्म है सनम परदेसिया, और तीसरी फिल्म है जो अभी बगल वाली जान मारे ली, और ये चौथी फिल्म जो चल रही है जिसका नाम है डेंजर लव स्टोरी। थैंक यू सर, थैंक यू। आइए, डेंजर लव स्टोरी फिल्म है, इसमें हमारे भारत गांधी जी हीरो हैं, और जोया खान हीरोइन की है, शायद नहीं है, और इसके डायरेक्टर है ब्रजभूषण जी, जो हम लोगों के साथ भी बहुत फिल्में, उनके साथ भी बहुत फिल्में कर चुके हैं, एज ए असिस्टेंट से लेकर एसोसिएट तक काम किया उनके साथ मैंने। और मैंने अभी एक भी फिल्म भी बनाई थी आर पार के, माला चढ़ी वो गंगा मैया, और इस फिल्म में मैं एक अच्छा कैरेक्टर है जो संजय पांडे जी का खास आदमी रहता है, निगेटिव कैरेक्टर वो कर रहा हूँ। तो सर आपका नाम क्या है? मेरा ओरिजिनल नाम फिल्म, इससे मेरा नाम है गोपाल एस गुप्ता, और इस फिल्म में मेरा नाम है भीमा का कैरेक्टर कर रहा हूँ, जो बहुत ही अच्छा, छोटा है लेकिन बहुत अच्छा कैरेक्टर है, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। इसके जैसा कि मैंने बताया, भरत गांधी जी, अजीत जोया खान, ये हमारी प्रगति मैडम है जो प्रोड्यूसर है, वो बहुत खोज भी नहीं, ऐसी स्क्रिप्ट मिली, अच्छी स्क्रिप्ट मिली, उस पर इन्होंने काफ़ी मेहनत करना पड़ा उनको सेलेक्ट करने में, और उन्होंने मुझे बोला कि भोजपुरी से मैं बहुत दिनों से जुड़ा हूँ, एक अच्छी फिल्म का इंतजार था, और उन्होंने बोला कि राजेश ये कैरेक्टर कर लो, किरदारी का कैरेक्टर है बहुत ही अच्छा, और उनका भी एक बहुत अच्छा सोच था कि चलो एक अच्छा फिल्म लेके अच्छा आए मार्केट में, प्रगति मैडम, और उन्होंने ही, ये फिल्म के प्रोड्यूसर है वही कर रहे हैं, और उनका लाख लाख धन्यवाद, और आप लोग के यूनिट का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहेंगे, मतलब कब तक ये फिल्म, शायद आपको ऐसा कुछ आइडिया है कि कब तक? हाँ, फरवरी तक, फरवरी तक है, और बहुत सशक्त रोल है, इमोशनल रोल है, हीरोइन का मैनेजर का रोल करता हूँ मैं, उनके डेड चले जाते हैं तो उसके बाद मैं ही संभालता हूँ,
बहुत अच्छा रोल है. थैंक यू. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.